सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील पटेल। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि चंद्रयान का डेटा देख दुनिया के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। प्रज्ञान ने चांद की मिट्टी में खोजी एक अनोखी चीज, अंतरिक्ष यात्रियों के आएगी एक बहुत उपयोगी काम। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद वैज्ञानिकों ने एक अनोखी चीज इसकी मिट्टी में खोजी है। चंद्रयान ने चांद की मिट्टी में विभिन्न धातुओं और तत्वों की खोज की है। इसमें वैज्ञानिकों को सबसे महत्वपूर्ण चीज सल्फर मिला है। सल्फर की जो मात्रा मिली है उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान किया है। तो आपको बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ साथ चंद्रमा पर उतर चुका है, ये आप सभी जानते हैं। भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन चांद पर पहुंचे थे, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है भारत। 14 पृथ्वी दिनों में ही इसने एक महत्वपूर्ण मिशन को पूरा किया है। चंद्रयान 3 वैज्ञानिकों को बहुमूल्य डेटा और चंद्रमा का पता लगाने के लिए और प्रेरणा दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब कि इसरो ने इनके नतीजों को दुनिया से साझा किया है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर के डेटा से पता चला कि इसकी मिट्टी में लोहा, टाइटेनियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को हैरान करने के लिए इसमें सल्फर भी मिला है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में भौतिकी, कला और विज्ञान के रिसर्च प्रोफेसर जेफरी गिलिस डेविस ने एक लेख में कहा, हमारे जैसे ग्रह वैज्ञानिकों को पता है कि चंद्रमा की मिट्टी में सल्फर मौजूद है, लेकिन यह बहुत कम सांद्रता में है, लेकिन चंद्रयान के डेटा के मुताबिक यह ज्यादा हो सकता है। मिट्टी में खोजा गया था सल्फर कैसे? प्रज्ञान के पास दो उपकरण हैं, एक अल्फा कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है एक लेजर वाला ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये मिट्टी की मौलिक संरचना का विश्लेषण करते हैं। इन दोनों में लैंडिंग स्थल के पास की मिट्टी में सल्फर को खोजा गया है। चंद्रमा के ध्रुवों के पास की मिट्टी में मौजूद सल्फर चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को दूर रहने में मदद कर सकता है। यह नया डेटा विज्ञान का एक उदाहरण बन जाएगा। चांद पर मुख्य तौर पर दो तरह की चट्टाने हैं, एक गहरी ज्वालामुखी चट्टान और दूसरी है चमकीली भूमि। इन्हीं दोनों के कारणों के हमें चांद पर एक चेहरे जैसी छवि दिखाई देते हैं। गहराई में होता है ज्यादा सल्फर। पृथ्वी पर प्रयोगशालाओं में चंद्रमा की चट्टान और मिट्टी की संरचना को मापने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि गहरे ज्वालामुखी मैदानों की सामग्रियों में चमकीले उच्च भूमि वाले पदार्थों की तुलना में ज्यादा सल्फर होता है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी घटनाओं के कारण मिलता है। चंद्रमा की गहराई में मौजूद चट्टानों में सल्फर होता है और जब ये चट्टानें पिघलती हैं तो सल्फर मैग्मा का हिस्सा बन जाता है। जब मैग्मा पिघली हुई चट्टान सतह के करीब आती है तो ज्यादातर सल्फर गैस बनकर जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलता है। क्या हो सकता है इनका इस्तेमाल? प्रोफेसर जेफरी ने इसी लेख में लिखा कि लंबे समय से स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष में अपना बेस बनाना चाहती हैं। सल्फर का इस्तेमाल एक संसाधन के तौर पर सौर सेल और बैटरी बनाने में किया जा सकता है। सल्फर आधारित उर्वरक और निर्माण के लिए सल्फर आधारित कंक्रीट बनाते हैं। सल्फर आधारित कंक्रीट के कई फायदे हैं। जहां नॉर्मल कंक्रीट ईंट को सूखने में हफ्ते लगते हैं तो सल्फर वाली कंक्रीट कुछ ही घंटों में मजबूत हो जाती है। चांद पर इससे बेस तो बन ही सकते हैं, साथ ही यह पानी बचाएगा। सल्फर बेस कंक्रीट में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ा से भी अच्छी लगी हो और जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कमेंट में नाइस वीडियो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों के लिए साइंस में इंटरेस्ट जिसका है वो वीडियो बड़े औचक से देखें। धन्यवाद।